जब आगाज किए हैं तो अंजाम तक पहुंचेंगे। 24 घंटा बिजली किसानों को मिलना चाहिए। राजभवन हम लोग अभी मार्च करने वाले हैं। पटना को सुधार घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ द्वारा आज राजभवन मार्च निकाला गया है। यह मार्च गांधी मैदान गांधी मूर्ति से राजभवन की ओर निकल चुकी है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 1 की तस्वीर है। सिद्धार्थ भी हैं इस आंदोलन में और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, वो भी बड़ी तादाद में। आप तस्वीर देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में कांग्रेस के झंडा तले जो है वो तमाम जो लोग हैं वो लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं और साफ तौर पर इनकी मांग जो है वो पटना को सुखाड़ घोषित करने को लेकर है और तमाम जो लोग हैं वो पटना की सड़कों पे निकल चुके हैं। ये पोस्टर में जो है वो राजभवन मार्च और तमाम कांग्रेस नेताओं की तस्वीर जरूर है और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो राजभवन की ओर निकल गए हैं। सिद्धार्थ भी हैं और तमाम कार्यकर्ता भी हैं। पटना को सुखाड़ घोषित करने की मांग को लेकर जो है वो लोग जो है वो मांगों को लेकर जो है वो राजभवन मार्च के लिए निकले हैं। हालांकि साफ तौर पे कहा जाए तो प्रशासन की ओर से अनुमति तो नहीं दी गई है। प्रशासन जब हमने यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि फिलहाल कोई परमिशन जो है इन्हें नहीं है। तो ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। ये तमाम जो लोग हैं नारेबाजी कर रहे हैं, राजभवन पहुंच पाएंगे। राजभवन हम लोग अभी मार्च करने वाले हैं आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में। अभी तो हम लोग यहाँ से शुरुआत किए हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। जब आगाज किए हैं तो अंजाम तक पहुँचेंगे। अंजाम चाहे कुछ भी हो, आगाज किए हैं तो अंजाम तक पहुँचेंगे। किसानों की तादाद में तमाम जो लोग हैं वो अंतिम छोर तक नौबतपुर बरेर तक भी पानी जा सके और क्या मांगे हो तो बिजली आज 7 से 8 घंटा बिजली किसानों को मुहैया हो रहा है, जबकि अभी रोपनी का समय है। 24 घंटा बिजली किसानों को मिलना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि चूंकि सही ढंग से खेती नहीं हो पा रहा है, किसानों को 12,000 रुपया प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दिया जाए और मजदूरों को अगले 6 महीना तक मुख्य राशन दिया जाए। आज प्रशासन इतना इस स्तर पर गिर गया है कि पालीगंज ASP ने एक प्रखंड अध्यक्ष विक्रम कांग्रेस के स्वयं FIR कर दिया। मुदई नहीं मिला तो स्वयं FIR करके जेल में भेज दिया। जो मुदई था वो अगला दिन कोर्ट में जाके कह दिया कि हमने कोई ऐसा गवाही नहीं दिया है। और ये कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे जरूर लग रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो इस प्रदर्शन ये कह सकते आंदोलन में शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के झंडा तले तमाम जो लोग हैं वो निकल चुके हैं।